नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है, 1 मई से 18 से प्लस वालों को वैक्सीन लगना स्टार्ट हो गई है। तो वैक्सीन लगने का जो प्रोसीजर है वो तो स्टार्ट हो गया है, रजिस्ट्रेशन भी करवाने लग गए हैं, बट काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को कि वो वैक्सीन कैसे लगाएं। सिर्फ रजिस्ट्रेशन से वैक्सीन तो लगेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पर दो स्टेप्स हैं। एक पहले स्टेप्स तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरा आपको शेड्यूल करना है, मतलब कि अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है। जब तक आप अपॉइंटमेंट नहीं लेंगे आप वैक्सीन नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि मैं जब सेंटर पे गया था वैक्सीन लगवाने के लिए, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे आए थे जिन्होंने सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था और वो वहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए आए थे। तो वहाँ पर जो भी स्टाफ था उन्होंने उनको वापस भेज दिया कि आप अपॉइंटमेंट लीजिए पहले, और अपॉइंटमेंट जो है वो सेम डे का मिलता है। जैसे कि अगर आपको आज लगवानी है तो आज का अपॉइंटमेंट मिलेगा, कल का नहीं मिलेगा। तो ये अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगा आपको और इसका क्या प्रोसीजर है, ये मैं आपको भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं गूगल का पेज ओपन करता हूँ और गूगल पे मैं यहाँ लिखूँगा वैक्सीन रजिस्ट्रेशन राजस्थान। जैसे ही मैं यहाँ वैक्सीन रजिस्ट्रेशन राजस्थान लिखूँगा और यहाँ पे एक पेज ओपन होगा, और ये जो एरो का निशान आपको यहाँ दिखेगा, अभी यहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं एक आपके सामने पेज ओपन होगा। एंड मैं ये लैपटॉप पे इसलिए ओपन कर रहा हूँ कि ये बार बार लॉग आउट ना हो, जब भी मैं रिफ्रेश करूँ तब। यहाँ आपको मोबाइल नंबर डालना है आपका, एक OTP आएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन एंड जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो भी आप यहीं से लॉगिन करेंगे। एंड वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि किस तरह से वो अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। तो यहाँ मैंने मोबाइल नंबर डाला, गेट OTP एंड 180 सेकंड का टाइम होता है। ये कुछ इस तरह का पेज आएगा, रजिस्टर मेंबर। यहाँ आप 4 मेंबर एक साथ रजिस्टर कर सकते हो, जिससे आपको अपॉइंटमेंट लेने में दिक्कत नहीं आए। नहीं तो आप अलग अलग मोबाइल नंबर से करेंगे तो इतने में तो स्लॉट बुक हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ सेकंड के लिए ही खुलता है। तो मेरे ज़िले में अपॉइंटमेंट जो बुक होता है वो सुबह 6:40 से 6:55 के अंदर होता है। वो कभी भी कुछ सेकंड के लिए खुलता है और उस सेकंड में ही मुझे स्लॉट बुक करना होता है। तो इस तरह से आपको भी बार बार रिफ्रेश करते रहना है अपने पेज को। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी रजिस्टर कर रहा हूँ मेंबर को, कोई भी एक मेंबर लेके, और यहाँ जेंडर और ईयर जो लिखा है, ईयर ऑफ बर्थ, यह आपके लास्ट जो ईयर जैसे 1991 1992 जो होता है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है और आपको रजिस्टर करना है। अपॉइंटमेंट का सही समय सुबह का ही इन्होंने दे रखा है, क्योंकि सेम डे ही अपॉइंटमेंट मिल रहा है, नेक्स्ट डे का नहीं मिल रहा है। आप चाहते हैं कि अगर आपको नेक्स्ट डे का अपॉइंटमेंट लेना है तो अभी नहीं है, क्योंकि वैक्सीन की थोड़ी कमी है। तो ये मेरा एक मेंबर रजिस्टर हो गया है। आप यहाँ से और ऐड मेंबर कर सकते हो, यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो ये लिखा है डोज 1, मतलब डोज 1 एंड डोज 2 का रजिस्ट्रेशन सेम है। तो यहाँ हमारा एक स्टेप पूरा होता है। सेकंड स्टेप के लिए आपको शेड्यूल पर क्लिक करना है, मतलब यहाँ तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो आप रजिस्ट्रेशन, आपको नंबर मिल गया है, आप आगे अभी वैक्सीन नहीं लगा सकते हो। तो उसके लिए आपको शेड्यूल पर क्लिक करना है। ये ब्लू कलर की पट्टी, इस पर नाम आएगा और उसके आगे आपको येलो कलर में शेड्यूल नाउ लिखा है। यहाँ और भी मेंबर्स के नाम आएंगे, जैसे कि आप, अगर मैंने एक मेंबर ऐड किया है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे अपना पिन कोड डालना है। जैसे मैं भिलवाड़ा का हूँ तो मेरा एरिया पिन कोड 311001 है, और मैं सर्च करता हूँ। इस सर्च के निशान पे मुझे बार बार क्लिक करते रहना है। जैसे यहाँ अभी लिखा आ रहा है नो वैक्सीनेशन सेंटर इज़ अवेलेबल फॉर बुकिंग, 18 से 44 की जो एज में हैं उनके लिए अभी कोई वैक्सीनेशन का सेंटर नहीं है। तो मुझे बार बार क्लिक करना है, क्योंकि वो कुछ सेकंड के लिए खुलता है। तो मैं यहाँ बार बार रिफ्रेश पर क्लिक करूँगा, और जैसे ही यहाँ वैक्सीन अवेलेबल होती है मुझे कुछ सेकंड में ही वो बुक करनी होगी। जैसे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे 167 कोविशील्ड, यहाँ वैक्सीन का नाम भी आएगा, और आप वैक्सीन पे तुरंत क्लिक करें 167 पे। और टाइम स्लॉट ये ज़रूरी है, यहाँ पे सेलेक्ट टाइम स्लॉट, आप सीधा कंफर्म पे जाके क्लिक करेंगे तो ये शेड्यूल आपका पूरा नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले टाइम सेलेक्ट करना है, देन कन्फर्म करना है, उससे ही आपको बुकिंग मिलेगी। जैसे मैं थोड़ा सा चूक गया तो मेरा यहाँ पे बुक्ड लिखा हुआ आ गया, मतलब फुली बुक्ड हो गया। तो मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा 1-2 मिनट का और, ताकि दूसरे सेंटर की यहाँ पे बुकिंग ओपन हो। अभी सारे जो सेंटर हैं उनका एक एक करके आएगा यहाँ पर। अभी ये एक काशीपुरी वाला है वो फुल हो गया। तो इस तरह से 1-2 मिनट के अंदर और सेंटर हैं, जैसे भिलवाड़ा में 5-6 सेंटर जो हैं वहाँ पर वैक्सीन लग रही है। तो इसी तरह से हमें वैक्सीन के लिए रजिस्टर करना है सेकंड स्टेप का। एंड आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना। थैंक यू।